सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फळरे प्रतिदिन अपलोड हेउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। सौनक कहुचंती हे सुत महर्षि आपण सुकतप गोस्वामी आ परीक्षित महाराजनकर सत्संग भागवत प्रवचन कथा कहिला परे मन भितरे बहुत आमर उत्कंठा रहुछि। सुंदर भावरे समस्त कथा को आम आगे उपस्थापन करंतु कारण परीक्षित महाराज धर्मपरायण सुकतप गोस्वामी होचंती आज आम ब्रह्मवीत दुहिंक भितरे जो आलोचना से साधारण आलोचना ही नथिबो तेणु विस्तार भावरे आमको से भगवत कथा आपण श्रवण करंतु। परीक्षितंक भक्तिमतार चित्रण करिबाकु जाई कहुचंती आहा हा परीक्षितंक कथा कौन कहिबे। पिला माने छोट बयसरे धूली घर खेलंती कंढेई धरी पुओ झी बाहागर करंती मिछि मिछिका धूली रे भात डाली तरकारी बाढंती बापा मांक ठारु साधारण संस्कार ग्रहण करथिबा शिशु से बालक बालिका एही संसार संपर्कित पुओ बहु खेल खेलंती। सौनक कहुचंती किंतु परीक्षितंक संपर्क रे मु जो कथा सुनिछि हे सुत महर्षि श्रीकृष्ण भक्त पांडव नंदन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित शिशु अवस्था रे श्रीकृष्ण को लीला को अनुकरण करी खेलना धरी खेलुथिले हाथ रे खेलना बैसी टी धरुथिले तांकर पिला खेल रे मध्य भगवान कर लीला रो चेतना थिला तेनु परीक्षितंक भली भक्तर की गुण मु वर्णना करिवे से तो अतुलनीय। आउ सुखदेव गोस्वामी तांक कथा तो आहुरी उर्ध्वरे जन्मरु भगवत भक्ति परायण से अजन्म ब्रह्मचारी पिता व्यासदेवंक ठारु भागवत श्रवण कलापरे से तो प्रतिटि मुहूर्त श्रीकृष्णंक गुणकीर्तनरे समय अतिवाहित करुथिले। परीक्षित ओ सुखदेव एहांक संजोग मणिकाञ्चनर संजोग कि सुंदर भावमय आलोचना तांक मध्यरे होइथिबो आमको सेसबु शीघ्र शीघ्र सुणान्तु आमर उत्कंठा बढ़ी जाउछि। हे सुत महर्षि ए सुजोग आममानको सौभाग्यवशतः मिलिछि आमे समय को बिल्कुल हात छड़ा करने को चाहूना कि अजथारे समय को तिले मात्र नष्ट करने को चाहूना कारण महापुरुष मैंने कही परा जीवन बहिए जगते से हरी कथा मृत नीति न करे जीवन निष्फल हीनतार आयु बल जगतर जीवन धारण करी जी जगतर कर्ता श्रीहरिंक कथा तुंडरे कहे नाही कि कानरे सुने नाही ता जीवन निष्फल तार आयुष वृथा तार बल वीर्य मध्य संपूर्ण वृथा धन संपत्ति जदि यथा कार्यरे न लागि अपव्यय हुए अजथा खर्च हुए तेबे धनर मर्यादा हानि हो जाए जदि मनुष्यर शरीर ओ मन हरि कार्यरे प्रवृत्त नहेला तेबे देहर बल वृथा ओ देहर आयुष मध्य वृथा। ऋषि सौनक आउ कौन कहते अंत काले जंतु जीवन फेमी चले जे हरी भावे थांति जोड़ी तांको जीवन दूरे सौनक ऋषि कहते हे सुत महर्षि सूर्य प्रतिदिन सका उदय हो दिवस शेष अस्त हो जाए गोटे दिन अंत होगा मात्रे जीवर गोटे दिन आयुष शेष हो गला सूर्य उदय और अंत हो जीवर आयुष को प्रतिक्षण से हरण कर आयुष सरी सरी जाऊथिबा स्थले जेउ माने सतसंग करूना हरि भाव रे जड़ित होना आउ हरिभक्त मानक जेउ माने दूरे रहंती से माने जंतु जीवन बा पशु मानक परि जीवन जापन करुछंती। संसार रे तो एमिति अनेक जीवन धारण करिछंती से जीवन धरिबारे लाभ कोन कुंतु एतरु गणे ए संसारे जीवन अज्ञान बेभारे लौहकारक गृहे भाती की बानी श्वास न छाड़ती बोलानंदकंद भगवान की ऋषि सौनक कहते वृक्ष मानकर कौन जीवन नहीं
वृक्ष मानकर जीवन अछि तांको पत्र पुष्प फल काष्ठ सब जगतर कल्याण रे लागुछि तथापि से माने अज्ञान तांको भीतर जगतर कल्याण पई चेतना नाही विवेक नाही से माने गुटिए स्थान रे अचल होई जीवन धारण करिसेंति मनुष्य जदि वृक्ष भली अचल अज्ञान होई रहे सतसंग पर्यंत चली जीवाकु इच्छा करे नाही चेतना शून्य होई जीवन यापन करे तुंड रे हरि नाम गान करे नाही तेबे वृक्ष आ मनुष्य भीतर प्रभेद कोन रहिला कमार शाल जो भाती पात्र लुहाटा तरला जाए से तो श्वासक्रियार शब्द मान शब्द बाहर मान निश्वास प्रश्वास नेला भली शब्द हुए से कमार शाल भाती मनीष शरीर जदि से लुहा तरला पात्र भली शब्द करुथिबो जठराग्नि केवल खाद्य हजम करुथिबो तेबे से तो होइगला गोटे मोळ तयारी यंत्र तेबे मनुष्य जन पर लाभ कौन है कमार शाल भाती ओ मनुष्य शरीर मध्य प्रभेद कौन रहिला श्रीहरी नाम श्रवण कीर्तन या बिना बंची मनुष्य उदाहरण देवाक जा सौनक कौन कहते जानते ग्राम कानन पशुगण कि न भक्षन्ति जन तृण मूत्र पूरी उत्सर्गन्ति अज्ञान सुखे सेवचन्ति श्वान सुकर ओट खर एहांक समान से नर गृहपालित पशु हे बा जंगली पशु हे सेमाने कोनो मनुष्य मानक भली खाद्य भक्षण करू नांती अज्ञान होई खाइती जे माने निजकु सुखी माने करंती सेमाने केवल मल मूत्र तयारी करूथिबा गुटिए गुटिए जंत्र भलकु ग्रहण करी मंदकु बाहर करी दियंती जगत पई किछि भल काम करिवार प्रेरणा एहाकु मिले नाही कारण एमाने तुंडकु केवल खाइबारे ओ जथा कथा कहिबारे व्यवहार करंती प्रभुंकण गुरु कीर्तन रे व्यवहार करंती नाही ए तुंडकु एपरी मनीष मैंने नरजन्म पाई कुकुर घुषुरी ओट और गध मानक आहुरी हीन मनुष्यर बयस गढ़ीगले से आउ कर्मक्षम हो पारे ना केवल कुकुर परी घर को जगी रहिबारे से समय बीते दिए सजन वृंद तांकु मालिकाणी जेउ गंडा को खाइबा को दिए श्रद्धारे दिए जत्न रे दिए कुकुर जो परी खाए अक्षम वयस्क मनीष को केही श्रद्धा करंती नाही ताकु सेही भली गंडे खाइबा को दियंती तांकर जत्न केही नबा को इच्छा प्रकाश करंती नाही से कुकुर भली पशु थारु मध्ये हीन जीवन धारण करंती हरि विमुख मनीषर जीवन मूल्यहीन हि जाय सजन वृंद घुसुरी विष्टा खाए पुणी पंकरे लोटी स्वर्गीय आनंद पाइबार अनुभव करे दुर्गंध जुक्त पंको ता पई वैकुंठ जे व्यक्ति सतसंग करे नाही ज्ञान अभावरु संसारर मायामोह पंकरे जुड़ुबुड़ु होई जीवन जापन करे से घुसुरी ठारु आहुरी हीन कारण घुसुरी गोटे पशु तार चेतना नाही तार सतसंग करिवार योग्यता नाही जे मनुष्य जन्म पाई ज्ञान अर्जन करिवार सामर्थ्य थाई मध्ये हरिनाम प्रति वितस्पृह से घुसुरी भली पशु ठारु आहुरी से हीन कुकुर ठारु आहुरी हीन ओट मरुभूमिर कंटा गछ को खाए कंटार आघात पाटीरु तार रक्त स्राव होइथाय रक्त को कंटा सह पाकुली करी से रक्तर स्वादरे सुख पाए जानी पारे नाही जे से निज रक्त को निजे पान करूछि बोली सजन वृंद ए संसार केवल कंटकपूर्ण जहाँ को भोग करी मनीष खुशी हेउछि से भोग्य वस्तु सबुता पाई कंटा सदृश आत्मीय स्वजन परिवार बंधु वर्ग समस्त मोहवशत हो से सुख शांति पाइबार प्रयास करे हेले कंटकित पथरे बाट चली कठोर परिश्रम करी समस्त को से संतुष्ट करने को चेष्टा करे पाए कौन से पाए प्रकृत कौन तेणु सजन वृंद लहु लुहाण होई मुंड झाल तुंडरे मारी से पाए कौन बोली चिंता करिबा दरकार निज रक्त को निजे पान करी से बंचे अर्थात निज शरीर रक्त को झाल रे बुहाई से परिश्रम करे अज्ञानतार वशवर्ती होई जहाँ को से सुजोग बोली भावे प्रकृत रे ता पाई ताहा दुर्जोग भोग परे असरंती रोग रे से पीड़ित तो हुए ओट पशु होई थिबारु से अज्ञान जो माने सतसंग करंती नाही से ओट पशु सदृश से माने अज्ञान हेले मनीष
श्रेष्ठ जीव हो जापना सतसंग करूना कहीं श्रेय कौन से बुझीना तेणु हरिविमुख प्राणी ओट भली पशुठारीन सजन वृंद गध भी गोटाए पशु सारा जीवन संजरु सका जाए भार बहन कर गोटे स्थान रु आउ गोटे स्थान को जाए अनेक परिश्रम कै परिश्रम हिसाब किताब भी रखे ना पाए कौन पेट पूरवा गंडे खाद्य परिश्रम अनुजाई मिलुवा मूल्य को से पूर्ण भाव उपभोग करे ना सेमिति मनीष पुओ झी परिवार पाई सामर्थ्य थिबा पर्यंत खटि खटे कठिन परिश्रम करे ओवर टाइम ड्यूटी मध्य करे हेले पाए कौन चाखंडे पेट पाई गंडे खाद्य खाए तीन हाथ चाखंडे शरीर को घोड़ेबाई खंडे कपड़ा पिंधे गधर आयुष सरीगले गध मरी जाए मनीषर आयुष सरीगले मनीष भी मरी जाए गध आ मनीष भितर तेज पार्थक्य कौन रहा जे सतसंग करुनथिबा मनीष बरं गध भली पशुठारु हीन सतसंग विरोधी जीवर चरित्र चित्रण करिबाकु जाई ऋषि सौनक पुणि कोन कहिले जानंति कृष्णर नाम उच्चारण न सुने जाहार श्रवण ताहार कर्ण जुग पथे दिवरे दिशन्ति जे मन्ते केशव 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 भपत जनक बन्धर संसार अनेक अच्छा जो मैंने सतसंग को भल पाती ना संसार अजथा कथा शुणवे से मैंने सुख पाती भगवान जो गुण कीर्तन हुए से जगह को छाड़ी चली जाती बहुत खराब लगे पुण्यमय श्रीहरि कथा से शुणा को इच्छा प्रकाश करती ना महात्मा सौनक कहते सेपरी लोकर कानर गर्त हूँ सापगात पूरा कानर जो बीवर मान कानर जो गातटा से सापगात सदृश सर्प गोटे क्रूर जीव तार तुंडे विष थाए अन्य उपरे से सर्वदा फं फं हुए शास्त्रज्ञ महापुरुष मतरे भगवान कथा हूँ अमृत भौतिक जगतर सांसारिक स्वार्थ जड़ित कथा हूँ विषय विष स्वार्थपर मनीष अन्य को चोट मारी अन्य को आघात दे अन्यर जीवन को विष ज्वाला जर्जरित कर दुखर कारण साजि थाए विषय जगतर विष तुल्य कथा शुणवे आग्रह प्रकाश कर मेली बांधि बसती से खराब कथा को अन्यर चुगुली कथा को कर्ण से शुणती आउ चुगुली कथा को कर्ण तुंड कहवाकू भल पाती विश्व प्रवेश कराउथिबा व्यक्तिर कान निश्चय सापर गात पड़ी से व्यक्तिर तुंड आउ जिह्वा केउ पड़ी।